तेरे कान में डबल झुमका, हीटन में मायली ठुमका, अरे काली जींस में तेरी लाल बनियाना। मेरे सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को, मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो हाय नमस्कार, पहला प्रणाम उत्तराखंड। मेरा नाम काव्य है। लॉकडाउन 2.0 यानी कि 3 मई तक के लिए एक बार फिर से हम सब लोग घरों में हैं। हालांकि घर में क्या चल रहा है, मौज चल रही है। और यकीन मानिए, आप और हम मौज में इसलिए हैं क्योंकि हमारे कुछ दाजू लोग फौज में हैं। यस, वो सरहदों पे रक्षा कर रहे हैं और इसीलिए आप और हम लोग जो हैं मजे कर पा रहे हैं। तो दाजू हमारे साथ इस वक्त जगमोहन दिगारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, काफी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं आपका। स्पेशली जैसी आपकी शक्ल है, भगवान ने आपको आपका वोकल भी वैसे दिया हुआ है। थैंक यू सर, बहुत बहुत अरे धन्यवाद। यार, एक तो दाजू आप सर मत कहो यार, हम तो भूली हुई है आपके छोटा हुआ मैं आपसे है कि नहीं अब यार? आदत है हमारी, तो हमारी आदत है ना, हमारे पैशन के अकॉर्डिंग हमारी आदत है, सर ही बोलना पड़ता नहीं है। नहीं आप भुला गए ना, मेरे को अच्छा लगेगा, है जी जी ना? ओके ओके, मैं भूला ही बोलूंगा। बिल्कुल। तो आजकल आपकी पोस्टिंग कहाँ है इस वक्त? जी मैं अभी प्रेजेंट टाइम में अभी मैं मणिपुर इम्फॉल में हूँ। जी। आप तो और देहरादून में होंगे हाँ, मैं देहरादून में हूँ। तो कैसा चल रहा है वहां पे, लॉकडाउन में माहौल कैसा सर। है? स्पेशली लॉकडाउन का यहाँ पे असर खूब है, बट हमारा ड्यूटी रेगुलर ड्यूटी है। अगर हम ही लोग लॉकडाउन मतलब पालन तो कर रहे हैं, अगर हम पूरा ही लॉकडाउन कर देंगे तो देन फिर शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम अपना ऑफिशियल वर्क, अपनी ड्यूटीज कंप्लीट कर रहे हैं सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि आप भी उन गायकों में से, कलाकारों में से हैं जिनके गानों को सुनते हुए हम बड़े हुए और बारातों में भी जी बहुत डांस किया। तो आगे आपका एक नया गाना आया है, उसकी भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपका एक सुपरहिट गाना जो शायद दिनों हर किसी ने ही सुना होगा, कान कान जी में डबल झुमका। यस सर, यस यस, अगर उसकी दो लाइनें हो जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुरंत सुनाता हूँ आपको। तेरे कान में डबल झुमका, ही टन में मायली ठुमका, तेरे कान में डबल झुमका, ही टन में मायली ठुमका, अरे काली जींस में तेरी लाल बनियाना। तेरे फैशन देख बे बूढ़ा है गेन जवाना, तेरे फैशन देख बे बूढ़ा है गेन जवाना। थैंक यू सर। हाँ, क्या बात है, बहुत कमाल। और इस बीच आपका जो है एक गाना और आया है, रानीखेत में ड्यूटी, है ना? जी, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एक रिक्रूट से एक सिपाही बनने में जो भी मेहनत लगती है, गवर्नमेंट जितना भी उस पर खर्चा करती है, या मतलब उस दौरान जो एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल लड़का एक क्या क्या चीज़ें झेलता है, तो उसमें ये दिखाया गया कि अपनी माँ के साथ क्या शेयरिंग कर रहा है, कि उसके साथ क्या बीती होती है, और वो अपनी माँ को कितना मिस करता है, अपनी हिजा को, तो वो कंडीशन उसमें दर्शाई गई सर। बहुत खूबसूरत तरीके से लेखक ने लिखा है, लाइक लेखक शायद मैं ही हूँ। तो किस गाना किसने लिखा है वो? जी मैंने खुद लिखा है सर, मैं खुद अरे अपने अच्छा 90% आपने, सॉन्ग्स मैं खुद लिखता हूँ अपने अरे सर। रे रे रे, क्या बात है। तो जरा हो जाए जी जी इसका भी थोड़ा सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज्यादा देर नहीं लगाता हूँ, अगर आप जैसे बोलूंगे ना मैं तुरंत एक्शन में आ जाता जी हूँ जी क्या बात है। फौजी तरीके में। हाँ जब तक रंग रूटी छोई जू रानी खेत रू लो, सिपाही बणी भेर जानी कोई देश जू लो, जान ले जू लो तेरी माया हिया धरी रो लो, तू निराश नहीं हो जा मैं लौटी बेओ लो, जब तक रंग रूटी छोई जू रानी खेत रू लो, सिपाही बणी भेर जानी कोई देश जू लो। वाह जी थैंक यू वाह, सर। क्या बात। तो ये बताइए, जब ये गाना आप लिख रहे थे, जिस टाइम गा रहे थे, आई एम श्योर आपको भी अपने वो शुरुआती दिन याद आ गए होंगे। बिल्कुल सर, बेस बेस लाइन मेरी वही थी, वही मुझे सेंट्रल आइडियाज मुझे वहीं से मिलते हैं, जो मैं शायद अक्सर मैंने अपनी लाइफ में जो जो कदम उठाए हैं या किए हैं, मैंने जो स्ट्रगल किया है, वो मुझे मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं गाने के माध्यम से पब्लिक तक पहुँचाऊँ, ताकि सबको अच्छा लगे या कुछ जी, इंस्पिरेशन मिले तो सर। आपकी भर्ती जी कहाँ हुई थी, पहली पोस्टिंग किधर थी आपकी? मैं बेसिकली पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ, तो पिथौरागढ़ बीआरओ से भर्ती हुआ था मैं, अच्छा देन मैं फिर बंगाल इंजीनियर ग्रुप बीईजी रुड़की में ट्रेंड हुआ था, देन उसके बाद पोस्टिंग ऑल इंडिया लगभग चला गया अभी तक, तो क्या अच्छा बताऊं। अच्छा तो जब आप वहाँ फौज में, मतलब आपके, हमारे यहाँ के पहाड़ के लोग भी हैं उधर?
बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे, हर फौज में मिलेंगे। उत्तराखंड के तो घर घर से फौजी होता ही बिल्कुल है अमूमन, बिल्कुल आपको भी मालूम है, जी। वो हर जगह मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है तो दूर दराज आप लोग तो माहौल बना देते होगे उधर, मतलब है गाना बजाना साथ में बढ़िया एकदम में है। जी मतलब कभी मतलब इस टाइप का कोई फंक्शन वगैरह होता है तो वहां पे हमें बुलाया भी जाता है स्पेशली, हाँ तो बहुत मजा करते हैं सब लोग मिलके इकट्ठे, कभी क्या कभी होता है। बात हाँ है। जी तो अब क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग है और आप भी अपने यू नो यस काम सर, पे हैं और मैं घर पे हूँ, इसलिए हमारी दूर से बात हो रही है। तो बहुत अच्छा अभी माध्यम, बहुत अच्छा माध्यम सर, ये बहुत अच्छा माध्यम आपने स्टार्ट किया है, बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत मतलब मैंने काफी इंटरव्यूज और कलाकारों के साथ और सोशल वर्कर के साथ मैंने देखे हैं आपके, बहुत जी मुझे बहुत आनंद विभूति होती है मुझे कि एक इंसान ऐसा है कि जो सबको समेटे हुए है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी तो कोशिश वही है कि जो हमारे पहाड़ के लोग हैं, जो अलग अलग फील्ड में और खासकर कलाकार जो हैं, क्योंकि जी मैं ये सही मानता बात, हूं कि किसी भी राज्य को आगे दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक वहां का गाना, दूसरा वहां का खाना। क्योंकि बिल्कुल सबसे पहले आदमी उसी की बात करता है ना। मान लीजिए जी कोई सही आदमी बात है, बंगाल नहीं गया होगा, लेकिन उसने रविन्द्रनाथ टैगोर का एकलो चला रे जरूर सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट। सुना होगा। हाँ या वहां का बिल्कुल फूड देखा होगा, या पंजाब नहीं गया होगा लेकिन पंजाब के गाने सुने होंगे। तो ये एक बिल्कुल प्रारंभिक मीडियम होता है किसी भी राज्य को नेशनल मीडिया के सामने लाने का या राष्ट्रीय जी स्तर सही पे बात, लाने का। तो मेरी जी जी कोशिश जी वही। आपकी जी ये पहल सर बहुत बहुत उम्दा पहल है, हम लोग ना वाह इतने मतलब पहले की बात बता दूं तो मीडिया इतना एक्टिव नहीं था तो ये चीजें नहीं हो पाती थी, संपर्क नहीं हो पाता था, बाय रेडियो ही या आकाशवाणी या ऐसे ही कुछ माध्यम थे जिनके वजह से हम लोग हमारे सॉन्ग्स या हमारे बड़े जो हमसे पहले के बुजुर्ग सिंगर हैं उनके सॉन्ग सुने जाते थे, बट आजकल तो जो आदमी मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, वो अक्सर आप जैसे जी लोगों के माध्यम से ये प्ले हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है सर हमारे लिए, सबके लिए बड़ी बात जी है, उसको बहुत एक थैंक कलाकारों यू। के लिए। और अगली बार जब मिलेंगे जी तो सर मजे मस्ती करेंगे खूब सारे, लेकिन जाते जाते कौन सा गाना आप सुनाना चाहेंगे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं जाते जाते आपको एक मेरा ही लिखा हुआ, मेरा ही गाया हुआ सॉन्ग मैं जी एक लाइन सुनाना चाहूंगा, ठीक है जी सर। वाह नी मर तू यस लटक मैं पड़ा लो हार्ट अटैक, नी मर तू यस लटक मैं पड़ा लो हार्ट अटैक, मैं तो मरी जो लो ते पर मेरो मर्डर को केस लगी जालो, हाँ ते पर मेरो मर्डर जी को केस लगी जालो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। और जल्दी जब आप छुट्टी आएंगे अगली बार तो मुलाकात करी जाएगी और खूब सारा धमाल मचाया जाएगा, है ना? तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक नमस्कार। यू सर।